सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। उड़ान तो भरना है, चाहे कई बार गिरना पड़े। सपनों को पूरा करना है, चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। समझदार इंसान ना तो किसी की बुराई सुनता है और ना ही किसी की बुराई करता है। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। एक बहुत गहरी बात वक्त से सीखो, क्योंकि वक्त कभी खुद को बदलते नहीं थका। आज का पंचांग 5 फरवरी 2023 दिन रविवार, मांग मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि, रात्रि 11:58 तक रहेगी। इसके उपरांत प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पुष्य नामक नक्षत्र 2:12:13 तक रहेगी। इसके उपरांत अश्लेषा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय शाम 4:39 से 6:02 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय 12:12 से 12:56 तक रहेगा। आज चंद्रमा कर्क राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मकर राशि पर रहेंगे। आप सभी को रविदास जयंती और मांघ पूर्णिमा की शुभकामनाएं। तुला राशि 5 फरवरी 2023 दिन रविवार, हाल ही में मिली अपनी सफलता का जश्न मनाएं। किसी खास के साथ रोमांस के लिए समय निकालें। नेटवर्किंग और कूटनीति आपको नए क्लब और ग्रुप में कनेक्शन बनाने के लिए मदद करेंगी। ये दोस्ती भविष्य में नेटवर्किंग का विस्तार और दायरा बढ़ा सकती है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। आज के दिन आपके लिए शानदार है, प्रसिद्धि और पहचान मिलेगी जिनका आप और आपके प्रियजन इतने दिनों से इंतजार कर रहे थे। विनम्रता लोगों से जुड़ने और लोकप्रियता हासिल करने में मददगार है। कार्यस्थल पर कोई आपके खिलाफ चुपचाप काम कर रहा है, लेकिन आज आपको इस बात का पक्का सबूत मिलने वाला है कि वह कौन है। लेकिन अभी इस आदमी से ना उलझें। आपको केवल यह पता चल जाने से भी काफी मदद मिलेगी कि आपके खिलाफ कौन काम कर रहा है, और आप अपने दुश्मनों को अपने रास्ते से हटाने में कामयाब रहेंगे। आप अपने सूझबूझ व समझदारी से कोई पारिवारिक मामला सुलझाने में सक्षम रहेंगे। किसी निकट संबंधी की परेशानी में उसकी मदद करने से आपको खुशी महसूस होगी। आप ही संबंधों में भी साथी संबंधों में भी नजदीकियां आएगी। पैसों की आवक सीमित रहेगी, इस वजह से खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। जिन लोगों से अभी तक मदद प्राप्त हो रही है उन पर अधिक निर्भरता होने से एक दूसरे के लिए नाराजगी हो सकती है। किसी व्यक्ति से अपेक्षा रखने से पहले उनकी उपलब्धि और क्षमता पर ध्यान दें। काम करते समय सतर्क रहें, पार्टनर के साथ विवाद हो सकता है। आपसे सामंजस्य से विवाद खत्म करें, सारी कमजोरी भी बढ़ने लगेगी। जल्दबाजी के बजाय शांति से अपने काम पूरे करने की कोशिश करें, अभी कार्य सही ढंग से पूरे करें। आपका अच्छा रवैया और संतुलित सोच समस्याओं को सुलझाने में आपकी मदद करेंगे। ध्यान रखें कि ज्यादा सोचने से अवसर हाथ से निकल सकते हैं, इसलिए जरूरी है कि प्लानिंग के साथ साथ उसकी शुरुआत करें। अहंकारी होना ठीक नहीं है, मार्केटिंग कार्यों को पूरा करने का यह सबसे अच्छा समय है। पारिवारिक वातावरण सुखद बना रहेगा। आज आप कुछ खास हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। किसी प्रियजन की परेशानी में मदद करने से आपको खुशी मिलेगी। नकारात्मक गतिविधि वाले लोगों से दूर रहें, अन्यथा आपका आत्मसम्मान प्रभावित होगा। अचानक कोई खर्चा हो सकता है, यदि निर्णय लेने में परेशानी हो रही है तो किसी बड़े की सलाह लें, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। आज का दिन महिलाओं के लिए विशेष रूप से सुकून भरा भी रहेगा। नई योजनाएं बनेगी, लाभकारी सिद्ध होगा। आपके बात करने का अंदाज दूसरे लोगों को आकर्षित करेगा। काम के अधिकता आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। पुरानी नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी ना होने दें, वर्तमान में जीना सीखें। किसी भी काम को जल्दबाजी के बजाय सहजता से पूरा करने का प्रयास करें। कार्य क्षेत्र में आपका प्रभाव बना रहेगा। परिवार के साथ समय बिताने से काम का बोझ अधिक रहने से माहौल खुशनुमा बना रहेगा। सेहत अच्छी भी रह सकती है। सावधानियाँ।
कोई भी खास निर्णय लेते समय घर के वरिष्ठ सदस्यों से सलाह मशवरा अवश्य करें। निश्चित ही आपको उचित समाधान मिलेगा। हालांकि घर में मेहमानों के अचानक आगमन से आपकी दिनचर्या कुछ अस्त व्यस्त हो सकती है, परंतु स्वभाव में चिड़चिड़ापन ना लाएं। बात करते हैं लव लाइफ की। पति पत्नी के संबंधों में नजदीकियां बढ़ेगी। अपने लव पार्टनर को मैरिज के लिए प्रपोज करने का उचित समय है। इस आधुनिक युग में नेटवर्किंग का पूरा फायदा उठाएं और अपने साथी को रिझाएं। कोई रोमांटिक संदेह, ईमेल या वीडियो आप दोनों की बोरिंग लाइफ में थोड़ी एक्साइटमेंट लाएंगी। जिंदगी के इस सुनहरे दौर में किसी दुर्घटना या चोरी से सावधान रहें। आपके लिए यह एक शानदार दिन है, क्योंकि सब आपके प्रयासों की सराहना करेंगे। आपका सोलमेट भी आपकी सरलता, प्यार व केयर के लिए आपकी तारीफ करेगा और गर्व महसूस करेगा। बहुत सारे प्रेमियों में से छांटकर किसी एक को चुनने की कोशिश में अधिक समय व्यर्थ ना करें। आपका व्यक्तित्व आकर्षक है, लेकिन इस समय आपकी किस्मत के साथ ना देने के कारण आपका जादू काम नहीं कर रहा। जब आप किसी निष्कर्ष पर पहुँचेंगे तब आपको समझ आएगा कि आपने बिल्कुल ठीक किया है। बात करते हैं करियर की। आज आपको अप्रत्याशित रूप से खोया धन मिल सकता है, जिसे आसानी से आप अपने सभी वित्तीय प्रतिबद्धताओं को पूरा कर पाएंगे। यह आपके वर्तमान वित्तीय स्थिति को काफी राहत प्रदान करने वाला होगा। हालांकि इस धन को बहुत बुद्धिमानी से खर्च करना होगा, क्योंकि हो सकता है कि आपका ये धन खत्म या कम हो जाए, लेकिन आपके दायित्वों का निर्वहन पूरा ना हो पाए। आपको बचत के रूप में कुछ राशि रखनी चाहिए, ताकि जरूरत पड़ने पर वह कुछ काम आ सके। आपकी किस्मत के अनुसार यह समय आर्थिक लाभ और सफलता के लिए परफेक्ट है। अपने व्यापार या नौकरी के अगले चरण की योजना बनाने के लिए साहसी, समझदार और दृढ़ बनें। चोरी, दुर्घटना या नुकसान से बचने के लिए एहतियात बरतना इस समय की जरूरत है। अच्छा, आपके लिए एक शानदार दिन है, क्योंकि आपके जीवन का हर पहलू अब जगमगा रहा है। सफलता पाने के बाद भी विनम्र रहना ऐसा गुण है जिसकी सभी लोग तारीफ करते हैं। यह गुण आपको लोकप्रिय भी बनाएगा। जीवन के सभी क्षेत्रों में विजय का योग है, इसलिए आगे बढ़ें और काम करें, क्योंकि बिना मेहनत के सफलता पाना असंभव है। कार्यस्थल के आर्थिक व्यवस्था में अभी परिवर्तन ना करें। मीडिया से संबंधित गतिविधियों पर अपना ध्यान केंद्रित रखें। आज कोई बहुत अच्छी खबर मिल सकती है। नए काम के लिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं है। बात करते हैं सेहत की। आपको संक्रमणों की काफी आशंका है, इसलिए अब यह बहुत जरूरी है कि आप अपने छोटे मोटे दैनिक उपयोग की चीजें जैसे साबुन, तौलिया अलग ही रखें। यहाँ तक कि एक ही कंघी का प्रयोग करने से भी संक्रमण हो सकता है। आपको अपनी सेहत और रोग प्रतिरोधक क्षमता में सुधार के लिए विटामिन सप्लीमेंट लेने चाहिए। संक्रमणों की आशंका से बचने के लिए अपने घर में बहुत अच्छे से साफ सफाई रखें। आज का उपाय, बरगद के पेड़ की पूजा करें, आज शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।